नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। मैं हूं आपके साथ दिव्या और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी खास पेशकश वोट पॉलिटिक्स में। लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी, और इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम लीग एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जिससे कोई संक्रमित हो गया तो वो बच नहीं सकता, और आज तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही इससे संक्रमित हो चुका है। उन्होंने आगे लिखा कि सोचिए अगर ये जीत गए तो क्या होगा, ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेसी नेता कान खोलकर सुन ले कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाने का पाप कांग्रेस ने किया है और अब इतना डर लगने लगा है कि सीट बदलनी पड़ गई। तो क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी अब विकास के बजाय हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? तो इसी के साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी ने मुस्लिम लीग और उसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा, और इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहले चरण में मतदान होना है। गाजियाबाद में कांग्रेस की जीत पक्की करने के लिए आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो करेंगे। प्रियंका गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार डॉली शर्मा के लिए रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी का रोड शो गाजियाबाद में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। रोड शो की शुरुआत प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में होगी, और उसके बाद प्रियंका घंटाघर पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगी, और उसके बाद अनाज मंडी से चौपाला हनुमान मंदिर जाएंगी। यहां से डासना गेट से जटवाड़ा होते हुए मालीवाड़ा चौक, अंबेडकर रोड से पुराना बस अड्डा के सामने वाल्मीकि पार्क पहुंचेंगे। यहां प्रियंका गांधी नवयुग मार्केट में अंबेडकर मूर्ति का माल्यार्पण करेंगी। फिर यहीं से एक जनसभा को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। तो आज गाजियाबाद के दौरे पर आपको बता दें, महासचिव प्रियंका गांधी हैं। तो मालीवाड़ा चौक पर खत्म होगा प्रियंका का रोड शो। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में वोट मांगेंगी, और इसी के साथ ही आज गाजियाबाद दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। आपको बता दें, जब से उन्हें पूर्वी यूपी का कमान दिया गया है, और वोट पॉलिटिक्स में अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ नेशनल वॉइस के एडिटर कुमार भावेश चंद्र जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हमारे एसोसिएट एडिटर आलोक जुड़ चुके हैं, और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ अनिल चौधरी लाइव जुड़ चुके। तो सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे अनिल चौधरी आपका, गाजियाबाद दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा है, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारी है? हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन सीधे हम यहां पर रुक करेंगे। हमारे एडिटर बैठे हुए हैं कुमार भावेश चंद्र। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा गाजियाबाद दौरे पर है, कितनी मजबूती यूपी में प्रियंका गांधी देने में सक्षम लग रही हैं आपको? देखिए दिव्या, प्रियंका गांधी अभी दौरे करके गई हैं इधर मिडिल उत्तर प्रदेश में, लेकिन गाजियाबाद का दौरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गाजियाबाद में अगर कहें तो उत्तर प्रदेश की पहली लड़ाई वहीं से होनी है। 8 सीटों पर जो चुनाव होने हैं 11 अप्रैल को, उसके लिए जो है सभी पार्टियों के लिए कह सकते हैं कि पहली परीक्षा इन्हीं इलाकों में होनी है, पहले क्षेत्र में जहां पे पहले दौर में जहां चुनाव होने हैं। तो गाजियाबाद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद से जो है विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पिछली बार वो उन्होंने चुनाव जीता था और इस बार दोबारा पार्टी ने उन्हीं को खड़ा किया है, और कांग्रेस की सामने चुनौती यह है कि उनकी जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, खासतौर पर गाजियाबाद से जिस कैंडिडेट की के लिए आज वो कंपेन करने वाली हैं प्रियंका गांधी, डॉली शर्मा, वहाँ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके उनकी बेटी हैं ये, और वो पिछला जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें वो हार गई थी, वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट ने इनको हराया था, लेकिन वो ये यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं, और कांग्रेस वहाँ पे अपनी बढ़त देखना चाहती है, अपनी ताकत देखना चाहती है कि गाजियाबाद में वो कहाँ पहुँची है। मुझे लगता है वो जीतने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, परसेप्शन की लड़ाई लड़ रही हैं। गाजियाबाद चूंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, इंपॉर्टेंट इलाका है, गाजियाबाद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों तरह के मतदाता हैं, इस लिहाज से उस क्षेत्र की एक अलग अहमियत है, और देखा जाए तो कांग्रेस वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। कांग्रेस प्रियंका गांधी की ज़मीन पर प्रचार करने से कितना बदलाव आ सकता है ये देखना चाहती है, और इसीलिए आज का जो कार्यक्रम तय किया गया था और उसमें
ये मंदिर मस्जिद वाला एंगल भी था। प्रियंका गांधी को पहले एक मंदिर में जाना था जो वहाँ का घंटाघर मंदिर है, वहाँ जाना था, लेकिन बाद में चूंकि घंटाघर मंदिर होते हुए जो रूट चार्ट कांग्रेस ने वहाँ की पुलिस को उपलब्ध कराया था उसमें पुलिस ने कुछ ऑब्जेक्शंस किए, क्योंकि काफ़ी डेंस इलाके से वो रूट चार्ट तैयार किया गया था, घनी बस्ती है, मतलब तंग गलियाँ हैं, और चूंकि प्रियंका गांधी को वीआईपी सुरक्षा चूंकि उनकी सुरक्षा कड़ी है, और इस लिहाज से पुलिस ने वहाँ पर यह तय किया कि नहीं, उस इलाके से उनका जाना बहुत सुरक्षित नहीं होगा, तो एक अल्टरनेट रोड चार्ट दिया है जिसके तहत वो आज अपनी यात्रा शुरू करने वाली हैं, और देखना ये होगा कि कांग्रेस के लिए वो किस तरह का समर्थन वहाँ पैदा कर पाती हैं। दिव्या बिल्कुल यहाँ पर और गाजियाबाद दौरे पर आज प्रियंका गांधी, और सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ अनिल। तो अनिल, इस वक्त गाजियाबाद का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आज गाजियाबाद दौरे पर है। उससे पहले सुषमा स्वराज को यहाँ भेजा गया बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2019 लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, और अगर बात की जाए गाजियाबाद सीट की, तो गाजियाबाद सीट अपने आप में वीआईपी सीट कहलाती है, और फर्स्ट फेज में ही आज वेस्टर्न यूपी सहित फर्स्ट फेज में ही यहाँ चुनाव होना है 11 तारीख को, और आज की जो सीट है काफ़ी अहम मानी जाती है, उसको लेकर आज प्रियंका गांधी यहाँ पहुँचेंगी और घंटाघर पर पहले आएंगी, उसके बाद में मालार्पण करेंगी भगत सिंह की मूर्ति पर, उसके बाद में मालीवाला चौक तक जाएंगे, उसके बाद में रोड शो उनका रहेगा, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या प्रोग्राम है, क्या नाम है सर आपका? रामनाथ व्यास। सर क्या प्रोग्राम रहेगा यहाँ पर? गाजियाबाद में बहुत भारी बम्पर वोटों से दादी शर्मा का विजय होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार है। किन किन बिल्कुल अनिल, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम से, हमारे साथ लाइव आलोक जुड़े हुए। आलोक, अगर बात की जाए प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर, पहले बोट यात्रा, फिर रेल यात्रा, और अब लगातार जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है मिशन यूपी को लेकर प्रियंका गांधी का। दिव्या देखिए, जैसा कि अनिल बता रहे थे, निश्चित तौर पर गाजियाबाद की जो लड़ाई है अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो वो मुश्किल वाली लड़ाई नहीं है, क्योंकि 2014 के आंकड़ों को नज़र डालें तो सबसे बड़ी मार्जिन के तौर पर बनारस के बाद वीके सिंह ही जीते थे लगभग 5 लाख मतों से ज़्यादा। तो अगर उस मतों को देख लें तो उसके बाद कम से कम वीके सिंह को लेकर के एक कंफर्टेबल पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी भी है, उनके बतौर मंत्री होने के साथ साथ उनका कद, उनका जो क्षेत्र में आना जाना रहा वो संतोषजनक रहा, और आज फिर वो प्रत्याशी बनकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की तरफ से देखें डॉली शर्मा को लेकर के, तो उनका जरूर न सिर्फ वहाँ पे बतौर सांसद के तौर पे उनकी एक नई लड़ाई है, इससे पहले की जो उनकी चुनौतियाँ रही हैं गाजियाबाद में उसके नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि मेहनत कांग्रेस को ही करनी है। और अगर प्रियंका गांधी के पूरे इस उत्तर प्रदेश के मिशन के तौर पे समझा जाए तो जहाँ पूर्वांचल की सीटों को लेकर के, जहाँ पूर्वांचल के प्रत्याशी की जिम्मेदारी बतौर प्रत्याशी इन सब चीज़ों को तय करना है प्रियंका गांधी को, ऐसे में गाजियाबाद का रोड शो अपने आप में बता रहा है कि प्रियंका का कद जो है पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा। इससे पहले हमने रोड शो देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से संगम से गंगा की यात्रा करते हुए वो अलग अलग लोगों से मिल रही थी, लेकिन अब गाजियाबाद में रोड शो, इसका मतलब है कि प्रियंका के कद को लेकर के एक बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर उनका प्लान बनाया गया है, और गाजियाबाद जब 11 तारीख को यहाँ मतदान होना है, ऐसे में प्रियंका का रोड शो एक कांग्रेस की तरफ से अपनी तरफ की ताकत झोंकना है, और वही ताकत आज हम प्रियंका के इस रोड शो में देखेंगे। जैसा कि भावेश सर भी बता रहे थे कि एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने रखा है, एक लंबा चौड़ा इलाका उन्होंने तय किया हुआ है, एसपीजी प्रोटेक्टिव होने के नाते कई ऐसे इलाकों से पुलिस ने उनको बचाया है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रियंका का रोड शो होने का मतलब यही है कि
कि अब वो पूर्वांचल के प्रत्याशी तो जरूर तय कर लेंगी, लेकिन 80 सीटों पे प्रियंका जाएंगी और चुनाव प्रचार करेंगी, कांग्रेस के लिए जीत सुनिश्चित करें, इस तरह की चीज प्रियंका के साथ अब जोड़ी गई है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बहुत मायने रखती है। जी आती है कि पिछली बार जब वीके सिंह जीते थे तो राज बब्बर तो उनके सामने थे, कांग्रेस का कैंडिडेट अगर देखा जाए तो राज बब्बर जैसे, चूंकि वो फिल्मों में से रहे हैं और बावजूद इसके कांग्रेस तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। मुझे ध्यान आता है कि राज बब्बर का जो वोट परसेंट था वो और वीके सिंह का वोट परसेंट एक काफ़ी लंबा चौड़ा फासला था, वो रनर थे लेकिन बहुत कम वोट मार्जिन उनको उनके पास था, मेरे ख्याल से 14-15% के बीच उनको वोट मिले थे, जबकि 50% से अबव वोट जो है वीके सिंह को मिले थे। एक कह सकते हैं कि एक भारी अंतर, एक बड़ा गैप वाली लड़ाई थी। इस बार जब राज बब्बर जैसा वहाँ पे कद्दावर नेता नहीं है, कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक जो नामी चेहरा, परिचित चेहरा, वैसा चेहरा नहीं है। डॉली शर्मा जो स्थानीय स्तर पे एक मेयर का चुनाव लड़ चुकी महिला हैं, उनका उनका कद मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि राज बब्बर के बराबर तो बिल्कुल ही नहीं है पार्टी में। बावजूद इसके अगर प्रियंका गांधी वहाँ पे उनके कंपेन के लिए गई हैं तो क्या इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाए कि प्रियंका वहाँ पे जमीन टटोलना चाहती हैं कि पश्चिम में कांग्रेस के लिए कैसी संभावनाएं हैं? क्या गाजियाबाद के बहाने वो अगल बगल की सीटों को प्रभावित करने की कोशिश उनकी नहीं है, और क्या इस कोशिश का लाभ कुछ अगल बगल की सीटों पर कहीं आपको दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका के कद को लेकर के हम सिर्फ उन्हें पूर्वी यूपी तक नहीं आप देख सकते हैं, हमें उन्हें 80 लोकसभा सीटों तक देखना होगा और आगे आगे जिस तरह के चरण होंगे शायद हम प्रियंका की और बड़ी भूमिका देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जो वीके सिंह, अगर 2014 में हम देखें तो राज बब्बर उनके सामने प्रत्याशी थे कांग्रेस के, कम से कम कांग्रेस भले ही 2014 के लहर में ही कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन अगर राज बब्बर की बात कहें तो उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं था, उनके नाम से कोई ऐसा नहीं था कि जो अनभिज्ञ रहा हो, और नाम पहला परिचय होता है प्रत्याशी का, उसके क्षेत्र का नाम है तो उसके बाद उसका काम, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और पार्टी का आधार, ये सब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 2014 का जो चुनाव था उसमें अगर वोट फीसदी की ही बात कर ली जाए तो दुगने से कहीं ज़्यादा का अंतर था। इसका मतलब है कि कांग्रेस वहाँ बहुत बुरी तरह और बहुत बुरी स्थिति में थी, तभी 5 लाख से ज़्यादा मतों से वीके सिंह जीत पाए थे। इसके बाद भी अगर देखें वहाँ पर लोकल जो लीडर है डॉली, उनको लड़ाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की 2-3 चीज़ें बात यहाँ समझनी भी होगी। जैसा कि जब प्रियंका को जिम्मेदारी दी गई और राहुल गांधी पहली बार लखनऊ के मुख्यालय में कांग्रेस के, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा हम 2019 की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन साथ में प्रियंका को 2022 की भी जिम्मेदारी दे रहे हैं, मतलब ये जो उनको रोड मैप बनाना है चुनाव का, संगठन का, बूथ का, वो 2022 तक भी बनाना है। तो ये साफ है कि प्रियंका की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत मजबूती से बहुत लंबे समय तक रहेंगी, और यूपी चूंकि इससे पहले भी अमेठी और रायबरेली का जो चुनावी प्रबंधन है वो हमेशा प्रियंका करती रही हैं, चुनाव के प्रबंधन में वो माहिर हैं, क्योंकि सोनिया और राहुल देश भर में रैलियां किया करते थे चुनाव के दौरान, और ऐसे में प्रियंका ही ये जिम्मेदारी उठाती थी। अब उनकी 2 सीटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी लगभग यूपी के 80 सीटों पे जा चुकी है, और गाजियाबाद का ये रोड शो, आपने बिल्कुल सही कहा, नोएडा है, उसके आसपास मेरठ है, ये सारे ऐसे इलाके हैं। आलोक माना जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये रोड शो माना जा रहा है। भावेश, अगर बात की जाए, क्योंकि जनरल वीके सिंह के गढ़ में आज रोड शो प्रियंका गांधी वाड्रा करें, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे और गाजियाबाद से उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया था कि मोदी जी की सेना, जिसको लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सेम बयान रिपीट किया, और ऐसे में आज ट्वीट भी सीएम योगी की तरफ से भी सामने आया है। जी दिव्या, आप शायद सवाल ये करना चाह रहे हैं कि जो ये कंट्रोवर्सी हो गई है मुख्यमंत्री योगी के बयान पर, और जो पार्टी के भीतर ही एक जो वीके सिंह ने जो कल जो है बीबीसी को इंटरव्यू दिया था तो ये कहा था कि इस तरह का बयान जो है वही लोग दे सकते हैं जिनको जानकारी नहीं हो जमीन की, और अगर कोई कहता है कि भारत की सेना सिर्फ भारत की सेना है और भारत की सेना किसी व्यक्ति की सेना नहीं हो सकती है, किसी पार्टी की सेना नहीं हो सकती है, इसको लेकर जो विवाद हो गया है, और इसको इस विवाद पर जो है चूँकि इलेक्शन कमीशन भी अपने हिसाब से जाँच कर चुका है और लगभग उसके लिए योगी जी को दोषी मान रहा है, और उनसे एक सवाल जवाब तलब भी किया गया है जिसका जवाब आज और कल में योगी जी को देना है,
तो ये एक कंट्रोवर्सी है पार्टी के भीतर निश्चित रूप से, और ये कहीं ना कहीं परेशानी पहुंचा रही है, क्योंकि आमतौर पर जब चुनाव आते हैं तो नेता कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी कहने लग जाते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जो चुनाव की, जो कह सकते हैं चुनाव के प्रक्रिया के दौरान जो एक नियम होता है उस नियम का उल्लंघन करते हुए होती है। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है वो हो रही हैं पार्टी फोरम पर, और इससे शायद जो अभी ये जो ताज़ा घटनाक्रम है जिसमें योगी जो है लगभग चुनाव आयोग के निशाने पर हैं, और कह सकते हैं चुनाव आयोग ने चूंकि जवाब तलब किया है, इसके बाद निश्चित रूप से इस पर इस तरह के बयानों में कमी आने की संभावना है। आप देख सकते भावे जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेके बड़ा हमला यहाँ पे योगी जी ने किया है कि वायरस बता दिया मुस्लिम लीग को। ये तो देखिए इसको लेकर भी आयोग का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि चुनावों में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव को मतलब एक धार्मिक आधार पर ले जाना चाहती है उसका नजीर साफ साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता और स्टार प्रचारक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे विषयों पर बात कर रहे हैं जो आम तौर पे चुनाव को धार्मिक कह सकते हैं विभाजन की ओर ले जाने के में काम आता है। जैसे अमित शाह ने शुरुआत की और उन्होंने कहा कि किसी हिंदुत्व का को लेकर जो है ये हिंदुत्व पर आरोप आक्षेपित किया गया कि वो आतंकवादी है कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल में, इसको लेकर वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद ये दूसरी बात आ रही है चूँकि राहुल गांधी दक्षिण में चुनाव लड़ने गए हैं और उससे उसको कई स्तर पे उसको कह सकते हैं उस पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि वो अमेठी से भाग रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है चूँकि वहाँ पर उनका अलायंस वहाँ पर एक ऐसे संगठन से है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, एक ऐसे गठबंधन से है कांग्रेस अलायंस जिसमें मुस्लिम लीग शामिल है यूडीएफ, तो उसको लेकर वो आलोचना कर रहे हैं कि वो ये बिल्कुल कम्युनल लाइन पे पार्टी को मतलब चुनाव को ले जाया जाए। ये कोशिश जो है हम जनता को फैसला करना होता है आखिर तौर पे कि इस तरह की चीज़ों का वो क्या मतलब लगाती है और किस पार्टी को इस आधार पे वो वोट करती है और नहीं वोट करती है। ये निश्चित रूप से ये चुनाव में जो है एक विभाजन की ओर कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम जो है वो मोदी के काम से उनके काम की तारीफ तो करते हैं, उनके काम की बात तो करते हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उनके काम से चुनाव भी जीते जा सकते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से अब जो बातें की जा रही हैं दो नैरेटिव देने की कोशिश हुई है। एक तो ये कि हिंदू मुस्लिम आधार पे अगर वोटर विभाजित हो जाए तो इसका लाभ उनको मिल सकता है, दूसरा राष्ट्रवाद के नाम पर भी बहुत सारी कोशिश हो रही है। जो बालाकोट में हमला किया भारत ने पुलवामा हमले के बाद उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, उसको लेकर चुनाव आयोग का ऑब्जेक्शंस भी आया, बावजूद इसके उस बात को कहीं ना कहीं से पार्टी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक अपने चुनावी सभाओं में इस बात को उठाते हैं और पार्टी को कम्युनल लाइन पे राष्ट्र धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसको लेकर मुझे लगता है कि आयोग का एक बार फिर से संज्ञान आयोग इसको लेगा। और गाजियाबाद से लगातार हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े। अनिल, बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद वासी इस बार क्या मांग कर रहे हैं? आपको बता दूं कल ही इनका ये प्रियंका गांधी की तरफ से पहले जो स्टेप में था, पहले विदेश्वरनाथ मंदिर जाना था, उसके बाद में जो एसपीजी की टीम ने बिल्कुल सुरक्षा के लिहाज उनको मना कर दिया गया। आज इसलिए ही उनकी जो रोड शो है वो घंटाघर से स्टार्ट होगा और कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? रामनाथ व्यास। रामनाथ जी, किन मुद्दों को लेकर इस बात सुना? इस बार मुद्दा यही हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का है कि देश उधार नहीं मिला है मोदी सरकार में, जो वादा किए नहीं पूरा किए हैं 2 करोड़ प्रति साल। राहुल गांधी ने कहा है कि नौजवानों को हम 5 साल में पूरा रोजगार देंगे और जितने महिलाएं हैं इनको सशक्तिकरण करने के 23% हम आरक्षण देंगे और जितनी देश की फैक्ट्री बंद है सबको खुलवा कर नौजवानों को रोजगार। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता बलिया से। सर, ये बताइए 2 बार से बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल की है, इस बार कितना टप आप मानते हैं? इस बार तो बीजेपी का टप नहीं हम मानते हैं, राहुल जी का बोलबाला है, राहुल जी प्रधानमंत्री बने। क्या
किन मुद्दों को लेकर इस बार हर गरीबों को 6,000 रुपया प्रति महीना देने के लिए कहे हैं, गरीबों को रोजगार भी देने के लिए कहे हैं। इस मुद्दे पर ही सरकार बनेगी, गरीबों के मुद्दे पर। बिल्कुल, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस और पुलिस वालों के बीच लेकर लोग यहाँ पर बातें करते नजर आ रहे हैं, तो आलोक यहाँ पर बात करेंगे। जिस तरह से आपने सुना वहाँ की जनता गाजियाबाद की, कि अब चेंज की भी बात करें कि अब चेंज होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, आमतौर पर परिवर्तन, खासतौर पर जब आप सत्ताधारी पार्टी हो और सत्ताधारी सरकार में रहे हों, तो एक एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर रहता है और सबको संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल भी होता है। जनता की उम्मीदें और अपेक्षाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे चुनाव को देखें तो जो मुद्दे शुरू से निकल के आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हों या राहुल गांधी कह रहे हों, वो मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो देश को लेकर के अब बातें होने लग गई हैं। देश की, चाहे विदेश नीति की बात हो, रक्षा की बात हो, पुलवामा के बाद जो पाकिस्तान में अटैक हम लोगों ने किया, उन सब चीज़ें की बात हो, वो चीज़ें ऐसे मुद्दे बन चुके हैं जिस पे देश के स्तर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन जैसा कि अनिल लोगों से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि आलोक, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये अनिल जो है लोगों से बात नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं कहेंगे कि उनकी पार्टी यहाँ पर कमजोर है। तो ये चुनाव में ऐसा कहना जो है किसी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और उसके नेता के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो खुद को अपनी जमीनी ताकत के बारे में बात करें। वो फार्स बात करते हैं, वो आगे बढ़ के बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ता से बातें कर रहे थे, लेकिन गाजियाबाद की हकीकत, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस इलाके को और वहाँ पे जो 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 वहाँ का जो कह सकते हैं कि वहाँ की समस्या है, वीके सिंह वहाँ के बहुत अच्छे सांसद नहीं हैं और वहाँ बहुत सारी जो उनसे उम्मीदें थी वो बहुत पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी फिलहाल जो है उनका कद जो है दूसरे किसी भी दल के जो है उसके मुकाबले मजबूत बताया जा रहा है, और अभी विपक्षी नेताओं के लिए वहाँ की ज़मीन जो है थोड़ी कठिन मालूम पड़ती है। अब ज़मीन पर अगर वो अपने इशूज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन अब बहुत कम समय रह गया है, 2-3 दिनों 4 दिनों के अंदर क्या हलचल मचाते हैं और किस तरह की ज़मीन अपने लिए तैयार करती हैं विपक्षी पार्टियां वहाँ पे, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो खासतौर पे महागठबंधन के वहाँ जो कैंडिडेट है, इसको लेकर अब देखना पड़ेगा कि वीके सिंह से वो किस तरह का मुकाबले की तस्वीर बना पाते हैं और वीके सिंह को किस तरीके से आज चुनाव मैदान में उनका डट के मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लगातार मतदान को कम ही दिन रह गए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। विपक्ष लगातार हमला करता आ रहा है इस बात को लेकर कि किसान, रोजगार, ऐसे मुद्दों पर भावेश जी सरकार बात नहीं करती है, और उल्टा ऐसी स्थिति हो जाती है कि हिंदुत्व कार्ड बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी करती नजर आ रही है। बिल्कुल, आमतौर पर पार्टियों को जो है, जो पार्टी खासतौर पर सत्ता में हो और 5 साल सत्ता के बाद, उसको अपने काम पर बात करनी चाहिए थी, उसको इस पर बात करनी चाहिए थी कि 5 सालों में हमने बहुत ये काम किए हैं, और उसके पास गिराने के लिए 10 काम होने चाहिए, और वो 10 काम मेरे ख्याल से इनके पास भी हैं। लेकिन सवाल होता है कि क्या उन जो काम है इनके, उन पर इनको भरोसा नहीं है कि उस काम के आधार पर जनता इनको चुनकर दोबारा भेजेगी, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर ये सरकार फेल रही है, बहुत सारे मुद्दों पर डिलीवर नहीं कर पाई है। जो वादे थे, वो जो बड़े बड़े वादे थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो निश्चित रूप से उसको भटकाने की कोशिश होती है, और इसी कोशिश में सत्ताधारी पार्टियाँ आमतौर पर एजेंडा बदलने की कोशिश करती हैं, और लेकिन विपक्षी दलों का काम ये है कि उसको खींच के अपने एजेंडे पर लाए और उस मुद्दे पर बात करे जो जनता का मुद्दा है, जो जनता की समस्या है। आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगी जुड़ने के लिए और अधिक बातचीत के लिए। तो यहाँ पे देखा कि आज गाजियाबाद में रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज सहारनपुर और अमरोहा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की। लेकिन इस बार 2019 में कौन काबिज होगा सत्ता पर, बड़ा सवाल है। वोट पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।